हेलो गाइस, कैसे हैं आप? जोगिंदर पाल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो ये सवाल जैसा थंबनेल से मालूम पड़ रहा है कि किसी छात्र ने 600 अंकों में से 382 अंक हासिल किए हैं। तो अंकों का प्रतिशत क्या है? तो हमारे कुल अंक बराबर 600 और प्राप्त अंक 382। प्राप्त अंक 382, तो इसका ये फॉर्मूला होता है कि प्राप्तांक गुणे 100 बटे कुल अंक बराबर प्राप्तांक 382 गुणा 100 बटे 600 में से ये प्राप्त किए हैं। तो ये तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा बराबर 382 बटे 6। तो हम इसे काट देते हैं, 6 6 36, 2 बचे 22 हो गया, 6 3 18, 4 बचे 6, 6 6 36, फिर 4, फिर 0 लगाई, फिर 6 6 36। तो ये हो गया बराबर 63.66% अंकों का प्राप्तांक रहा। तो इस प्रकार से इसे काट सकते हैं, देख सकते हैं मतलब किस तरह से ये कुछ भी अंक हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, इसी प्रकार से प्रक्रिया बिल्कुल आइडेंटिकल यही रहेगी, प्राप्तांक ऊपर और फिर 100 बटे कुल अंक। तो इस प्रकार 382 गुणा 100 बटे 600 बराबर 382 बटा 6, 63.66 अंक प्राप्त किए हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत।